हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम है जय कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आपने मेरी पहली वीडियो को काफ़ी लाइक किया, होप आपको ये वीडियो भी वैसे ही पसंद आएगी। मुझे काफ़ी लाइक्स भी मिले और कमेंट्स भी मिले, होप ये भी वीडियो आपको वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे फर्स्ट वाली लगी। और स्पेशली जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं इसको किसने डेवलप किया। इसको डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने, या हम बोल सकते हैं जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम। इसको डेवलप किया था 1991 में, लेकिन मार्केट में इसका रिलीज जो हुआ था 1996 में हुआ था 23 ऑफ जनवरी। कुछ लोग इसको 1995 भी बोल देते हैं, या बुक्स में भी आपको 95 मिल जाएगा, लेकिन जब आप विकीपीडिया पे जाएंगे आपको ये वाला सबसे वर्जन मिलेगा 1.0 जो मार्केट में रिलीज हुआ था। इसके बाद इसका जो स्टेबल वर्जन मार्केट में रिलीज हुआ था वो था 1.0.2। तो पहले इसका नाम था ओक, बाद में इसका नाम बदल के जावा कर दिया गया था। इसको किस कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम। और इन 2010 इसको ओरेकल के द्वारा, ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा अक्वायर कर लिया गया था। और इसका लेटेस्ट वर्जन 14 है, जावा 14, जिसको मार्च 2020 में रिलीज किया गया था, या 17 मार्च 2020 में रिलीज किया गया था। अब ये तो थी इसकी हिस्ट्री एंड इसके नेम जो अपडेट हुए और किस किस कंपनी के द्वारा इसको अक्वायर किया गया। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके मेन मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको हाइलाइट्स जो हो जाएं उसको बाद डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर इसका, सिंपल एंड सिक्योर। एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, C, C++, जावा काफी सिंपल है एंड सिक्योर भी है। सिक्योर बिकॉज ऑफ हिज बाइट कोड। इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे डिटेल, क्योंकि ये काफी लंबा चला जाएगा टॉपिक। उसके बाद सेकंड फीचर है इसका पोर्टेबल। बाइट कोड की वजह से ही ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मीनिंग है एस आपको इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, चाहे आप किसी मशीन में चलाएं या आप मैकिंटोश मैकबुक पे चला सकते हैं, विंडोज में चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो C++ है या C है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, वो हर आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर उसी किसी और जगह पोर्ट किया जाए तो वो नहीं चलते। एज कम्पेयर टू जावा, जावा पोर्टेबल है, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मशीन लैंग्वेज काफ़ी मशीन्स में होती है, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, इसके अलग अलग एडिशंस हैं इसका, जो बाइट कोड की वजह से ही ये पोर्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब जावा ने क्या किया है, जो C++ में प्रॉब्लम आ रही थी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं थी, उसको उसने सॉल्व किया थ्रू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वजह से कैसे इसने जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया। इसमें बहुत बड़ा हाथ JVM का भी है, क्योंकि JVM ही है जो बाइट कोड को रीड करता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड
जावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, आप इसको रिमोटली कहीं भी असेस करके इसके सॉफ्टवेयर्स को असेस कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको पता होगा मोबाइल्स वर्जन भी बनते हैं, इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं और इसमें वेब एप्लीकेशन भी बनती हैं जावा में। मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड क्या होता है, एक स्मॉल प्रोसेस होता है, जावा मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा आप लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में मल्टीपल एप्लीकेशन साथ साथ चलाते हैं, एक तरफ आपका म्यूजिक चल रहा है, एक तरफ आप कॉल भी चल रही है, एक तरफ आप वर्ड भी यूज कर रहे हैं, एक तरफ आपकी बैकग्राउंड से मेल्स भी रिसीव हो रही हैं। वो क्या होता है, आपके मल्टी प्रोसेसेस सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो इसी की हम जावा में मल्टी थ्रेडिंग होती है, जिसमें क्या है मल्टीपल थ्रेड सेम टाइम पे कंकरेंटली रन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब ये क्या है एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस, बोलते हैं जावा को कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन इसमें कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जिसकी वजह से हम इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो डाटा टाइप्स हैं जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो इसी वजह से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है मैंने, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं लिखा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, मैं हल्का सा आपको हाईलाइट दे देता हूं। ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी, सिंगल एंटिटी जैसे कि टेबल, फ्रिज, इवन कोई आप पर्सन, आपके हाथ में पेन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या करती है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग की ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्क मीन्स रियल टाइम प्रॉब्लम्स आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम होते हैं या हमें जैसे व्हाट्सएप चलती है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स थी जैसे मैसेजिंग थी, उसको ऑब्जेक्ट को चेंज करके हमने मैसेजिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको व्हाट्सएप में अब बहुत अच्छे फीचर्स आए हुए हैं। वो क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हर रियल टाइम एंटिटी पे बेस है। क्लासेस आपको पता होगा सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास बोल देते हैं, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड होता है क्लास 1, 2 या बनाना, एप्पल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्लास का नेम क्या आ जाता है, फ्रूट्स। तो ये तो थे कुछ फीचर्स, तो उसके बाद मैं हल्का सा आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का काम बता देता हूं कि कैसे जावा ने इसको सॉल्व किया। पहले हमारा सोर्स कोड होता है जो डॉट जावा फाइल के नाम से होता है, जब इसको हम कंपाइल करते हैं तो ये कौन सी फाइल जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल, जिसको हम बाइट कोड भी बोल देते हैं। इसको बाइट कोड क्यों बोलते हैं, जब आप इसकी फाइल को ओपन करके देखेंगे उसका हर करेक्टर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसकी मेमोरी 1 byte होती है, इसी वजह से इसको बाइट कोड बोलते हैं। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है ये अंडरस्टैंडेबल किसके द्वारा होती है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में भी एक लेक्चर डिटेल में बाद में बनाएंगे। और अब इसका नाम क्या कर दिया है, JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो ये क्या करता है, हर सिस्टम में आपको JVM या JRE मिलेगा, ये मैकिंटोश ले लो आप, विंडोज ले लो, लाइनक्स, यूनिक्स, इवन की मोबाइल्स एडिशंस में भी आपको ये मिलेगा। तो ये क्या करता है, हमारी डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाती है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन ऑफ जावा एंड हिज फीचर्स, एंड थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। होप
आपको जल्दी नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई चूज जावा एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसे कि सी सी प्लस प्लस जब मार्केट में थी तो हमने क्यों जावा को चूज किया, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे।